हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं तो कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर जो है शॉर्ट टर्म हो। रिसेंटली हमारा जो यूनियन बजट है 2024 अनाउंस हुआ था ऑन 23 जुलाई, जिसके बाद हर एक पर्सन के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी पे जब मैं बेचूंगा इसको तो कितना टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस बजट में आई थी एक बहुत मेजर अमेंडमेंट जो कि थी आपकी कि आपको पे करना पड़ेगा 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन। जब ये रेट निकल के बाहर आया कि 12.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो सारे टैक्स पेयर्स बहुत ज्यादा खुश थे कि अब तो जो टैक्स रेट है वो पहले 20% हुआ करता था लेकिन अब उन्हें सिर्फ 12.5% पे करना है और काम खत्म। बट धीरे धीरे जब लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू करा अपनी प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के ऊपर कि कितना उनको अब टैक्स देना पड़ेगा, तो ये रियलाइज हुआ कि अब जो रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो ज्यादा टैक्स बनाता है एज कंपेयर जो कि पहले रेट था, क्योंकि अब जो रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलने वाला था, जबकि अगर आप 20% रेट पे करते तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता, जिसकी वजह से जो आपकी परचेज कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है जब आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया होता है उस टाइम तक, और आपका जो प्रॉफिट बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है वो आपका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम रह जाता है, तो जिसकी वजह से आपको टैक्स बेनिफिट ज्यादा होता था। स्टिल कुछ टैक्स पेयर्स तो थे बहुत ज्यादा नाराज और कुछ को खुशी भी हुई जब उन्होंने अपना कैलकुलेट किया, तो क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपने प्रॉपर्टी कब ली थी। तो ये तो थी एक ब्रीफ समरी जो बजट में कहा गया। बट रिसेंटली 7 अगस्त यानी कि कल ही ये एक अमेंडमेंट और आई जो कि अभी फाइनेंस बिल, प्रपोज्ड फाइनेंस बिल लोकसभा में सर्कुलेट किया जा रहा है कि अब जो इस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा, क्योंकि लोगों ने अपनी जब नाराजगी जताई गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट में भी एक फर्दर अमेंडमेंट लाने के बारे में सोचा, तो उस अमेंडमेंट के बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहले मैं आपको एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में बताती हूँ कि क्या हुआ और क्या आपका जो है होने वाला है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए दो रेट हमारे निकल के आए, बिफोर बजट और आफ्टर बजट। बजट हमारा आया था 23 जुलाई को, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले बेची है और अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई के जो है बाद बेची है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले बेची है तो जो बजट में अमेंडमेंट आई वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा जो पहले रेट होता था 20% ऑन LTCG, ठीक है, और ये होगा आपका विद इंडेक्सेशन। ये आपका विद इंडेक्सेशन होगा LTCG। जो भी बजट में अमेंडमेंट आई वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड आई। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल करने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई है। जो पहले आपका टैक्स रेट था स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगना था वो ही अब भी लगेगा, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने 23 जुलाई से पहले अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया है तो आपको पे करना पड़ेगा 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं एज यूजुअल, जैसे कि पहले चलता था। अगर आपने प्रॉपर्टी अपनी बेची है 23 जुलाई के बाद तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई इसमें वो आई आपको कि टैक्स पे करना है 12.5% के अकॉर्डिंग बट विदाउट इंडेक्सेशन। राइटिंग मेरी थोड़ी ठीक नहीं है बट आप लोग समझ लीजिएगा, 12.5% आपको टैक्स देना है विदाउट इंडेक्सेशन। आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी जितनी भी सेल प्राइस है परचेज प्राइस, सेल प्राइस में से परचेज प्राइस आप डिडक्ट कर लीजिए, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 12.5% कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर दीजिए। तो ये एक सीधा सा रूल आया 23 जुलाई में बजट के बाद। अब जो लेटेस्ट इसके बारे में बातें की जा रही है, जब लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरी प्रॉपर्टी तो मैंने बहुत पुरानी परचेज कर की थी, अब मैं उसको बेच रहा हूं तो अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट इस प्रॉपर्टी के ऊपर लेता तो मेरी तो जो परचेज कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती, तो मुझे जो टैक्स पे करना पड़ता उसका अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता, तो अब तो मेरे लिए लॉस हो गया। तो इस चीज पे अभी जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट के बारे में सोचा जा रहा है या फिर अमेंडमेंट की गई है वो क्या है, अब मैं आपसे वो बात कर लेती हूं। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ये देखो कि जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो आपने कब खरीदी थी, ठीक है। अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है ये उसके बारे में बता रही हूं मैं।
अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप ये देखो कि आपने प्रॉपर्टी कब परचेज की है। अगर आपने 23 जुलाई से पहले प्रॉपर्टी परचेज करी है, यानी कि 23 जुलाई 2024 बजट आने से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी थी और आप उसको अब सेल करने जा रहे हैं 23 जुलाई के बाद, तो आपके लिए ऑप्शन है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया, उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप दोनों तरीके से अपना टैक्स कैलकुलेट करो, 20% के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करो, ठीक है, विद इंडेक्सेशन, और 12.5% के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट करो। आपको इसमें से जो बेनिफिटेड साइड आपके लिए लगती है, जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी आपको कम लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स पे कर दो। तो अभी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है उन्होंने जो प्रॉपर्टी अपनी परचेज करी होगी, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, तो वो 23 जुलाई 2024 से पहले की ही होगी। दिस ऑल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी परचेज बिफोर 23 जुलाई 2024, ठीक है। ये हमारा जो फर्दर आया ये परचेज के ऊपर आया, सेल के ऊपर नहीं आया, कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज 23 जुलाई 2024 से पहले आपने अगर परचेज कर रखी है, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है एलटीसीजी के केस में 2 साल पहले तो मेरी प्रॉपर्टी परचेज होनी चाहिए ना, तो मेरे सारे केसेस पहले के ही मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कैलकुलेट कर लो दोनों ऑप्शन से, 20% के अकॉर्डिंग भी और 12.5% के अकॉर्डिंग भी, जो पहले होता था और जो हमने अब लेटेस्ट आपको अमेंडमेंट दिया है। आपको जो बेनिफिटेड साइड लगती है, जिसमें लगता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बैठेगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट के लिए। अब जो है सब लोग टैक्स पेयर्स को बहुत, ये जो है गुड न्यूज़ है कि अब तो उनके लिए पहले एक ही ऑप्शन होता था, अब तो डिपार्टमेंट ने 2 ऑप्शन दे दिए कि आप सिलेक्ट करो और अपना टैक्स रिजीम जो है, जैसे न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम होता था ना, अब इसमें भी इन्होंने सिलेक्शन दे दिया है कि अब दोनों आप रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो और सिलेक्ट कर लो कि कौन सा टैक्स आपको जो है पे करना है। Whereas, अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, यानी कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, अगर आप आफ्टर 23 जुलाई 2024 प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, तो उस केस में आपके पास जो है एक ही ऑप्शन है कि आपको 12.5% आपको टैक्स पे करना है विदाउट टेकिंग बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो ये पिक्चर क्लियर है सबको? तो अब आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है कि अब आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और हाँ, अगर फ्यूचर केसेस की मैं बात करूं तो आपके लिए एक ही टैक्स रिजीम है। तो ये ठीक, ये चीज आई थिंक सबको क्लियर है, क्योंकि बजट के बाद रियल सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया था इस चीज का, जिसकी वजह से शेयर मार्केट भी हमारी इम्पैक्टफुल हुई। बट हाँ, अब कल से जब से ये फाइनेंस बिल लोकसभा में सर्कुलेट हुआ है, तो बहुत मतलब एक होता है ना उम्मीद की किरण टैक्स पेयर्स को भी नजर आ रही है कि अब उनको और अच्छी बात हो गई उनके लिए, कि वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि किस उसमें क्राइटेरिया में उनको बेनिफिट हो रहा है। तो इसको हम एक, मैंने एक एग्जाम्पल रेडी किया था, उसके अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। से एग्जाम्पल आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेट सपोज मिस्टर ए है, इसने जो प्रॉपर्टी है वो सेल करी है 24 जुलाई 2024 को, इसका मतलब जस्ट नेक्स्ट डे ऑफ बजट, बजट हमारा 23 जुलाई को आया था। आई सपोज कि उसने 24 जुलाई को एक प्रॉपर्टी को सेल किया है, कितने में सेल किया है, 49,50,000 में। ये हमारी पिक्चर बिफोर बजट की है एंड ये हमारी पिक्चर जो है आफ्टर बजट की है। अगर बजट नहीं आया होता या फिर बजट में ये अमेंडमेंट नहीं आई होती, ठीक है, उसने ये प्रॉपर्टी कब एक्वायर की थी, ये उसने की थी 2011 में, कितने की, 20,60,000 रुपीज की। दोनों में डाटा सेम है कि मैंने कब परचेज करी कब मैंने सेल करी। अब अगर बजट में ये अमेंडमेंट नहीं आई होती, ठीक है, तो मेरे को कितना टैक्स पे करना होता उस टाइम पे, मैं जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेती। अगर मैं 2010-11 का इंडेक्सेशन की बात करूं तो दैट वॉज 167 रुपीज, और अभी जो मेरा लेटेस्ट इंडेक्सेशन है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वो है हमारा 348 रुपीज। अभी वो आया नहीं है रेट, तो मैंने लास्ट ईयर का अपना रेट लिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन रहा है वो बन रहा है 42,92,000 का। यानी कि अगर अब आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आपकी परचेज कॉस्ट हो गई 42,92,000, तो आपको जब टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको निकालना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब आप कैसे निकालेंगे, ये आपका सेल प्राइस
ये आपका इंडेक्स्ड परचेज प्राइस, इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो जो आपकी जो एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आपका बन गया 6,57,000। तो अगर मैं बिफोर बजट में आप ये मान के चलिए कि बिफोर दिस अमेंडमेंट, कि मान लीजिए बजट में कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं आई थी, ठीक है, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता इसके ऊपर? 20%, दैट इज 1,31,000। तो इतना आप टैक्स पे करते अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते समय, और आपकी जो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैप्टर है ये आपका यहीं पर ही क्लोज हो जाता। अगर मैं आफ्टर बजट की बात करूं कि अब जो ये अमेंडमेंट आई है उसके बारे में, बजट के बाद अब जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टैक्स पे करना है, इतनी आपकी सेल प्राइस है, इतना आपका परचेज प्राइस है, इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिल ही नहीं रहा है, तो आपके लिए जो एलटीसीजी हो गया वो हो गया 49 लाख में से आप 20 लाख रुपीज लेस करिए, दैट इज 28,90,000। इसके ऊपर आपको पे करना है 12.5% टैक्स, विच इज 3,61,000, जो कि बहुत मतलब इवन डबल से भी ज्यादा है। अगर मैं पहले वाली की बात करूं कि बजट आने से पहले जो आपका रेट था उसके अकॉर्डिंग अब जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो डबल से भी ज्यादा बन रही है, तो टैक्स पेयर तो नाराज होंगे इस पॉइंट पे। इसीलिए जो है टैक्स पेयर की बहुत टाइम से नाराजगी चल रही थी जब से ये बजट आया था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें फर्दर जो अमेंडमेंट की है वो किया है कि क्योंकि आपने 2011 में प्रॉपर्टी परचेज करी थी, विच इज बिफोर द बजट 2024, आपने 2011 में प्रॉपर्टी को परचेज किया था, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप प्लान ए के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर दो या फिर प्लान बी के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दो। आपको जहां बेनिफिट नजर आता है आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, मिस्टर ए जो टैक्स पे करेंगे वो 1,31,000 रुपीज पे करेंगे, ना कि 3,61,000 रुपीज। ये जो पहले अमेंडमेंट आई थी ना, इसकी वजह से जो लोगों की इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी वो भी उनको जो है ज्यादा करनी पड़ रही थी। वो कैसे? सेक्शन 54 के ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें क्या था कि अगर आप जो है कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच कर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस केस में जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है फॉर परचेजिंग योर नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो होता है आपका एलटीसीजी का अमाउंट। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को देखूं तो अगर मिस्टर ए को अपना टैक्स सेव करना था, ठीक है, टैक्स सेव करने के लिए अगर वो किसी फर्दर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो अगर हम बिफोर बजट की बात करें तो उनको करना होता 6,57,000 रुपीज, विच इज लोअर अमाउंट। मतलब इतना अमाउंट में फर्दर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या फिर ये भी होता है कि मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर रही, मैं 2 साल बाद इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि मेरे को 3 साल का कंस्ट्रक्शन और 2 साल का जो है अगर मैं प्रॉपर्टी परचेज करती हूँ तो उसके लिए टाइम दिया जाता है, तो उसके लिए आपको कैपिटल गेन अकाउंट में भी पैसा जमा कराना होता है। और अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट में पूरा 6,57,000 आप जमा कराते हो तो इतना पेन आपको फील नहीं होता क्योंकि आपको सेल कंसिडरेशन मिला 49 लाख रुपीज, उसमें से आपने 6 लाख रुपीज आगे कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दिए कि फ्यूचर में मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। बट जब ये बजट के बाद नया रूल आया तो इसमें देखिए आपका जो कैपिटल गेन निकल के आया वो तो 28 लाख का निकल गया। अब मेरे लिए बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली 28 लाख रुपीस निकाल के कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराना या फर्दर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जो कि मैं नहीं चाहती इन्वेस्ट करना इतना अमाउंट, ठीक है, ये मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया। अगर आप इसकी ब्रॉडर पिक्चर देखो, अगर आपकी प्रॉपर्टी का सेल वैल्यू ज्यादा हो, ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंपैक्टफुल रहा टैक्स पेयर के लिए कि मेरी जो कैपिटल गेन निकल क्या है वो बहुत हैवी अमाउंट मेरे लिए निकल के आया, तो वो हैवी अमाउंट मेरे लिए फर्दर इन्वेस्ट करना इतना इजी टास्क नहीं है। मेरे को लिक्विडिटी चाहिए थी इसलिए तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी थी। अब आप कह रहे हो कि आप इतना रुपए जो है आगे फर्दर इन्वेस्ट करो अगर आपको टैक्स रिबेट चाहिए तो इसीलिए ये रूल थोड़ा टैक्स पेयर के लिए डाइजेस्टेबल नहीं था। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप टैक्स पे जितना मर्जी करना चाहे, दोनों में से जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप फर्दर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप 6,57,000 इन्वेस्ट करेंगे या 28,90,000 इन्वेस्ट करेंगे। आप अपनी बेनिफिटेड साइड देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजन ले लीजिए। तो ये जो फाइनेंस बिल में आजकल सोचा जा रहा है कि ये हम चेंज लेके आएंगे या फिर ये चेंज आ ही गया है क्योंकि कल तो सर्कुलेट हो ही गया है फाइनेंस बिल लोकसभा में, ये चेंज तो आपका आने वाला है और अब टैक्स पेयर को जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। मैंने वीडियो में कोई आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाया बिकॉज आई थिंक इस चीज से आपको ज्यादा चीजें क्लैरिटी होंगी। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको और भी देखनी है, जाननी है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और बजट पे मैं ऑलरेडी एक समराइज वीडियो बना चुकी हूँ कि इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या चेंज आए थे हमारे बजट में,
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और डिटेल्ड वीडियो अब हम धीरे धीरे बजट के ऊपर लेके आएंगे, ये हमारी फर्स्ट थी डिटेल्ड वीडियो प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आ गई है दोबारा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आज ही, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी आप हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ये अमेंडमेंट आने के बाद अब आपको क्या लगता है, आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के भी जो है बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।